बड़ों से हमेशा आदर से बात करो, सम्मान, बड़ों का सदा सम्मान हो, छोटों पर कृपा हो, छोटों पर करुणा हो, प्रेम हो। ये संस्कार है भाई। मैं आपसे अच्छी बातें क्यों कर रहा हूं? मेरे से भी तो गालियां देनी आती हैं, मेरे को भी तो लड़ना झगड़ना आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। पर जो हमारे संस्कार है ना, उन संस्कारों ने हमें इन सब से अलग रखा है। आपको सबसे अलग कौन करता है? आपके संस्कार, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार आपको सबसे अलग करता है, और वो संस्कार जो है ना बहुत कीमती है। बच्चों को प्रॉपर्टी बाद में देना, बैंक बैलेंस बाद में देना, सोना चांदी बाद में, पहले संस्कार। क्या देंगे? संस्कार। आजकल माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं ना की बराबर, कुछ कुछ माँ बाप दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं संस्कार। बहुत लोग ऐसे हैं जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि खुद के अंदर नहीं है। भाई हमारे अंदर जो है हम वही तो ना देंगे। बच्चों को संस्कार वही माता पिता दे सकते हैं जो माता पिता स्वयं संस्कारी होंगे। यदि आप स्वयं संस्कारी नहीं है तो आप क्या देंगे? जो है ही नहीं आपके पास, कहां से लाएंगे? आप खुद शराब पीते हैं, आप खुद गांजा पीते हैं, आप खुद बीड़ी तंबाकू गुटखा खाते हैं, आप खुद गालियां देते हैं, आप खुद झूठ बोलते हैं, तो बच्चों को सच बोलने के संस्कार तुम क्या दोगे? तुम तो खुद झूठ बोलते हो। संस्कार कई बार माता पिता में जो है ना वो ऑलरेडी बच्चों में जाते हैं, लगभग 99% तो जाते हैं, कहीं 1% कोई केस अलग है। हमारे देश में बच्चों को कैसा होना चाहिए? माँ बाप को भगवान मानने वाले बेटे कहीं होते हैं तो हमारे भारत में होते हैं। हमारे भारत में आज के 100 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लो, सिर्फ 100 साल पुराना। इन 100 सालों में हमारे देश में जो शिक्षा थी, जो संस्कार थे, वो ऐसे थे कि प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश में पहले बेरोजगारी नहीं थी, बताओ क्यों नहीं थी? आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे देश में बेरोजगारी नहीं थी, बताओ क्यों नहीं थी? उत्तर दो, क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले के लोग अपना अपना काम करते थे, अपना अपना काम। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करता था, क्षत्रियों का काम क्षत्रिय, वैश्य का काम वैश्य, शूद्र का काम शूद्र, जो जहां था ना उसका वो काम बाप दादों का चला आता था। भाई हमारे बाप दादे जो काम करते आए हैं, हम उसी काम को बढ़ाएंगे, उसी काम को आगे ले जाएं, उसे और बेहतर बनाएंगे। तो भाई बाप दादों का काम मिलता गया, बेरोजगारी थी नहीं, क्योंकि भाई काम सिस्टमेटिक ढंग से जमा। आप देखो ना हमारे देश में कितने आज भी परिवार ऐसे हैं जो अपने बाप दादों का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और वो सफल हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते चले आ रहे हैं। तो बेरोजगारी नहीं। अब हुआ क्या, आप नया काम ढूंढते हैं जिस काम का आपको नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, आपका जो काम है जिसको आप जानते हैं आप उसे नहीं करते, उसे बेहतर नहीं बनाते।
नए की तरफ जाते हैं तो नए को सीखने में साल भर लग जाता, दो साल लगेगा, तो साल भर सीखने का थोड़ी पैसा कम मिलता है भाई, इसलिए नौकर बनना पड़ता फिर आपको। हमारे देश में जो शिक्षा थी वो मालिक बनाने की शिक्षा थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं स्कूलों में, ये सिर्फ नौकर बनाने की शिक्षा है। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन बनेंगे क्या इस पढ़ाई से? सिर्फ नौकर, नौकरी करने वाले। आप मालिक नहीं बन सकते, मुश्किल है। यदि आपके अंदर हुनर है, योग्यता है, काबिलियत अलग से ईश्वर ने दी, डेवलप की आपने, तो आप बन सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन फिर करूंगा, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ स्कूल कॉलेजों में ठीक है, लेकिन साथ में बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाओ। नौकरियां लेने वाला कौन है बताओ? नौकरियां लेने वाला बड़ा है या नौकरियां देने वाला? और आप क्या बना रहे हैं बच्चों को? नौकरियां कर लो बेटा, नौकरी कर लो। पढ़ा लिखा के क्या बना रहे हैं? नौकर। नौकर क्यों बना रहे हैं? मालिक बनाओ ना, नौकरी लेना ही नहीं है, देने वाले बनो, बड़े बनो। यदि हर लोग इस भाव से काम करने लग जाए कि हमें लेना ही नहीं है, नौकरियां देना है, तो अपने आप हमारे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी, और आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। जिस देश में संपन्न लोग रहते हैं वो देश भी तो संपन्न होगा, और जिस देश में गरीब लोग रहेंगे वो देश भी गरीब। यदि ये गरीबी मिटाना है ना, तो कर्मठ बन जाओ, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ। हमारे देश में ना ऐसे कितने लोग, हमारे देश में आज जितनी आबादी है, पूरी आबादी में बीस परसेंट लोग ऐसे हैं, बल्कि 25% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, केवल खाते हैं। पूरी आबादी का 25% हमारे देश में कुछ करते ही नहीं, केवल बड़ा भाई कमा रहा है तो छोटा भाई खा रहा है, छोटा भाई कमा रहा है तो बड़ा भाई खा रहा है, बाप कमा रहा है तो बेटा खा रहा है। जबकि होना ये चाहिए सब अपना अपना काम करो, दो पैसे सब कमाओ। भाई सब लोग कमाएंगे तो आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी, एक कमाएगा और चार खाएंगे तो कितना भी कमाओगे घर में रुपया टिकेगा ही नहीं, क्योंकि कमाने वाले एक हैं और खाने वाले चार हैं। इसलिए ज्यादा लोग कमाओ, सब लोग कमाओ, और नौकरियां देने वाले बनो, खुद का बिजनेस करो, व्यापार करो, खुद का छोटा उद्योग डालो, छोटा बड़ा जैसी आपकी। किसानी आप करते हैं तो किसानी को बेहतर बनाइए। किसानों को चाहिए कि गाय की सेवा करें, गौ पालन करने से ना बड़े फायदे हैं। किसान, आज हमारे देश के किसान परेशान रहते हैं, परेशानी का कारण क्या है? जिस हिसाब से खेती करनी चाहिए उस हिसाब से आप करते ही नहीं। भाई किसानों के घर में गायों का होना जरूरी है, क्योंकि गायों से किसानों का संबंध है। पता है क्या? गाय का गोबर होगा तो गोबर की खाद होगी, खाद में ना केंचुआ होता है, ध्यान से देखा आपने, लंबा लंबा केंचुआ खाद में, गोबर की खाद में विशेष रूप से पाया है। वो केंचुआ जो होता है ना, उस केंचुए का खेत में होना जरूरी होता है। जिस खेत में ज्यादा केंचुए होंगे, केंचुए जानते हैं लंबे लंबे होते हैं, वो किसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। वो क्या है, मिट्टी को खा खा करके ना वो खाद बनाता है, मतलब मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसे बढ़ाता है। और आज यूरिया डीएपी का जमाना, दवाई ऐसी, वो सारे मर गए। यदि हम यूरिया डीएपी के साथ, हम ये नहीं कहते एकदम से बंद करो, यदि हम गाय की सेवा करेंगे तो गाय का गोबर
खेतों में भी पड़ेगा, खेतों को नेचुरल खाद मिलेगी, उससे क्या है फसल और अच्छी आएगी। और दूसरा गाय होंगी तो आप दूध भी बाजार में बेच सकते हैं, जिससे आपको उससे भी इनकम हो। किसानों को चाहिए कि नई नई खेतियां करें, जिसकी डिमांड है, जो चीज़ें महंगी हैं उनकी खेती करनी चाहिए। विशेष रूप से खेती में मन लगाना चाहिए, समय देना चाहिए। किसानों के घर यदि गाय नहीं है तो वो अधूरा किसान है। भाई खेत में ही बनाओ गाय की व्यवस्था। यदि किसान बाजार से टमाटर खरीद रहा है, यदि किसान बाजार से आलू खरीद रहा है, किसान बाजार से धनिया मिर्ची खरीद रहा है, तो वो पक्का किसान नहीं है। वही आपके खेती है तो अपने लिए तो इतना करके रखो कुछ जमीन में कि आपके घर में टमाटर बाजार से ना लाना पड़े, आपके यहाँ होते रहे। कुछ साग भाजी तो आपके घर होती रहे, जो बाजार से खरीदेंगे वो बचेगा। कुल मिलाकर हमें आज हमारे को केवल बुद्धि की कमी है। यदि बुद्धि लगाएं सब लोग तो पैसों की कमी नहीं है किसी को, विवेक की कमी है। इसलिए भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, संस्कार जरूरी है। बड़ों को प्रणाम करने के संस्कार दो, गीता रामायण पढ़ने के संस्कार दो, बच्चों को दो पैसा कमाने के संस्कार दो। डायरेक्ट आप बच्चों को ना करोड़ रुपया दे देंगे ना बर्बाद कर देंगे, पहले उन्हें पैसा देने के पहले दो पैसा कैसे कमाया जाता है वो टैलेंट तो सिखाओ, कमाने दो। जब मेहनत का पैसा कमा कर लाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि 10 रुपए की वैल्यू क्या है। आज बड़े बाप की औलादों को यही नहीं पता होता कि 10 रुपए कैसे आता है, 100 रुपए कैसे कमाया जाता है। जब कमाओगे ना पता चलेगा कि 100 रुपए कैसे आता है। जब कमा कर मेहनत पसीना बहेगा 100 रुपए के लिए, तब आप 100 की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, 100 की इज्जत ज़्यादा करेंगे। और फोकट में मिल गया तो 100 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्यों जी? सही है, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को धन देने के पहले क्या देना चाहिए? संस्कार, टैलेंट, पैसे की वैल्यू समझाओ बच्चों को।